विदिशा में हुए दर्दनाक हादसे के बाद पूरा राज्य सन्न है। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हुई है। जिस कुएं पर यह हादसा हुआ उसको लेकर अलग ही कहानी सामने आ रही है। स्थानीय लोगों की माने तो कुएं की दीवार पहले से ही जर्जर थी। इसको लेकर कई बार गांव वालों ने अधिकारियों से शिकायत भी की थी, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लिहाजा ये बड़ा हादसा हो गया। कुआ कूलर जर्जर कंडीशन में था पूरी तरीके, तो शिकायत भी उसकी बहुत ज़्यादा कर चुके थे, आवेदन भी दिया था लोगों ने, मोहल्ले वालों ने। उस पूरे मोहल्ले में सिर्फ यही एक कुआ है, दूसरा कोई पानी का साधन है नहीं, ना तो नल है और ना कहीं मतलब कोई पाइप लाइन है या कोई टंकी, कोई व्यवस्था नहीं देखे, बस यही है, यही था, ये भी सब खत्म हो गया। अच्छी कंडीशन अगर होता, उसकी व्यवस्था सही अगर हो गई हुई, तो ये कंडीशन नहीं होती, यहाँ सफर नहीं होती। हालांकि स्थानीय विधायक इन आरोपों का खंडन कर रही हैं। विधायक जी की माने तो इस गांव में हैंडपंप की कोई कमी नहीं है और ये हादसा कुएं पर ज्यादा लोगों के जमा होने की वजह से हुआ। हालांकि उन्होंने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। कांग्रेस के नेताओं को तो आरोप लगाने का काम है, पर मैं ये कह दूं कि पानी की कोई समस्या नहीं थी, यहाँ पर 5 हैंडपम्प थे और जो कुएं था उसका पानी भी यहाँ के 50 परिवार डेली ले रहे थे। कुएं जो हादसा हुआ है उसका मुझे बहुत दुख है और आप देख रहे होंगे कि कल से मुख्यमंत्री जी निरंतर हर घंटे में जो रेस्क्यू चल रहा है उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। हमारे प्रभारी मंत्री जी कल से यहाँ से हटे नहीं हैं और कुएं का हादसा जो हुआ वो मेन कारण था कि वो बेटे के गिरने से उस कुएं के ऊपर जरूरत से ज़्यादा लोग चढ़ गए थे। विदिशा के गंज बसौदा में गुरुवार को हादसा उस वक्त हुआ जब शाम 6 और 7 के बीच एक बच्चा कुएं में गिर गया। उसे निकालने के लिए कुएं के किनारे पर 2 दर्जन से ज्यादा लोग एकत्रित हो गए, लेकिन कुएं की जर्जर दीवार अचानक से भरभराकर गिर गई, जिसके बाद कई लोग कुएं में दब गए। हालांकि इसके बाद चलाए गए राहत और बचाव कार्य में कई लोगों को सही सलामत निकाल लिया गया, जबकि बाद में 11 लोगों के शव कुएं से निकाले गए। हालांकि इस हादसे में उस बच्चे की भी मौत हो गई जिसको बचाने के लिए लोग वहां पहुंचे थे। राहत और बचाव कर्मियों को सबसे अंत में बच्चे का शव कुएं के मलबे से मिला। इस हादसे के बाद राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है, जबकि पीएम मोदी ने भी हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। विदिशा से अखिलेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट, MP तक।